सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में, जो कि कार एक स्ट्रीट के एक नए वीडियो से रिलेटेड होने वाला है। तो यहां पे स्पीड लाइन सिंडिकेट का जो क्लब है उसमें हम आ चुके हैं एक नए रेस को करने के लिए, जिसका नाम है मिड टाउन सर्किट रेस। तो यहां पे हम मिड टाउन सर्किट सेकेंड रेस करने जा रहे हैं, जिसमें आ चुका है लीडर का फ्रेंड, यानी कि कह सकते हैं एक टीम मेंबर, क्लब मेंबर, जिसके साथ हम करने वाले हैं इस रेस को। और यहाँ पे ये रेस है सर्किट रेस। सर्किट रेस का मतलब ये होता है कि हमें 2, 3, 4, 5 कोई भी राउंड का रेस करना होता है, जिसमें हमें पूरे रोड का 4 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर लगाने होते हैं, उसको हम सर्किट रेस कहते हैं। तो सर्किट रेस हम करने के लिए शुरू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% रेस कंप्लीट हो चुका है और हम अभी पोजीशन अपना फर्स्ट बनाए हुए हैं। जो हमारा ओपोनेंट है वो कहीं टकरा गया है, तो इसलिए वो पीछे हो गया है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि BMW M4R से बहुत अच्छी रेस लगाते हुए, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि हमारा जो पोजीशन है वो फर्स्ट बना हुआ है, और जो हमारा पोजीशन है वो हमारे पीछे लगा हुआ है, बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। तो हमें बहुत आराम से इस रेस को जीतना होगा। अगर हम कहीं भी गलती करते हैं तो हम आराम से पीछे हो सकते हैं और इस रेस को भी हार सकते हैं। तो हमें बनाए रखना होगा अपना पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे, और अगले ओपोनेंट को हमें आगे नहीं जाने देना होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो हमारा 30% का रेस है वो कम्प्लीट हो चुका है और अभी भी हमारा पोजीशन बना हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है आखिरी मोड़, और इस मोड़ के बाद हमें एक और मोड़ मिलेगा, लेकिन वो नॉर्मल मोड़ मिलेगा। ये वाला था तगड़ा वाला मोड़। तो यहाँ पे अगर हम गलती करते और उस कार से हम टकरा गए होते तो हम पीछे हो गए होते। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 40% रेस कंप्लीट हो चुका है और अभी भी हमारा पोजीशन बना हुआ है फर्स्ट का, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ओपोनेंट था वो शायद फिर से टकरा गया है कहीं किसी गाड़ी में, इसी के लिए वो पीछे हो गया है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दूसरा लेप शुरू हो चुका है, और दूसरे लेप में भी हमारी जो पोजीशन है वो हुई है फर्स्ट, और 50% का रेस कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो हमारा ओपोनेंट है वो दिखना भी बंद हो गया है मैप के अंदर, और इस रेस को अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम बहुत आगे निकल आए हैं उस ओपोनेंट से, और अब उसको पीछे करने में, अरे उसके द्वारा हमें पीछे करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अब हम इस रेस को बड़े आराम से, बड़े मस्ती में रेस को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एक और मोड़, जहाँ पे हमें बहुत बचा के मोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत तगड़ी आती रहती है, और ट्रैफिक से अगर एक बार लड़ गए तो हमारे ओपोनेंट के द्वारा हम पीछे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे चांस होता है, अगर हमारी गाड़ी टकरा गई किसी भी रोड वाले ट्रैफिक से, तो वहाँ पे हमें पीछे होना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हमारा जो 70-75% का रेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो ओपोनेंट है वो अभी भी हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन वो अब हमारे पीछे कर नहीं सकता। मैप में नज़र आने तो ज़रूर लगाए, लेकिन अब इस रेस को हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम अपना पोजीशन जो है वो तगड़ा बना चुके हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा लिए हैं। ये है आखिरी मोड़, जहाँ पे बड़े आराम से हमें आराम से मोड़ को मोड़ना होगा, क्योंकि एक बार भी अगर हम ट्रैफिक से टकरा गए तो इस रेस को हमें हारना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 85% रेस कंप्लीट हो चुका है और बड़े आराम से इस रेस को अब हम जीतने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये रेस पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि अगली वीडियो में जब भी डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो यही था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।